मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिलाल अस्पताल में पाए गए कोरोना संक्रमण के 60 वर्षीय मरीज के इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि कल ही तबीयत ज़्यादा इस मरीज की ख़राब हुई थी और इसे कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था, जिसके बाद थाने के सिविल अस्पताल इसे लेकर जाया गया, मगर इस 60 वर्षीय व्यक्ति की जान नहीं बच पाई और कल उसकी मौत हो गई। वहीं मुंब्रा में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 49 हो गई है और दिवा प्रभाग समिति में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13 पहुंच गई है। और लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश में बढ़ने की वजह से लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी का भी कोरोना टेस्ट 2 बार किया गया है और दोनों बार धनंजय गोसावी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें गोसावी ही मुंब्रा कौसा में जितने भी कोरोना मरीज मिले हैं वहाँ जाते थे और रेड जोन इलाकों में भी जाकर वो अपना काम करते थे। इन्हें भी डर था कि कोरोना कहीं उन्हें भी ना हुआ हो, मगर शुक्र है कि 2 बार इनका टेस्ट किया गया और दोनों बार धनंजय गोसावी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही आपको बता दें कि मुंब्रा के डिटेक्शन ब्रांच के कांस्टेबल शैलेश भोसले और PSI दीपक घूघे पॉजिटिव पाए गए थे, मगर अब उन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लॉकडाउन के दरमियान दिन रात पुलिस भाग दौड़ में कई पुलिस वाले इस कोरोना की चपेट में आ गए थे, मगर कल जब शैलेश भोसले और दीपक घुघे अस्पताल से बाहर आए तो ताली और फूल से इनका लोगों ने स्वागत किया। जिस तरह से अपराधियों को पुलिस अंजाम तक पहुंचाती है, उसी तरह से ये पुलिसकर्मी भी कोरोना को हराकर वापस आए। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद इन पुलिस वालों का जोरदार फूलों से स्वागत हुआ और इनकी आरती भी उतारी गई। आप लोग भी कोरोना से बचने के लिए घरों में रहे और बेवजह घर से बाहर ना जाए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।